एक बच्चा अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुँचा। पहनावे से ही दोनों माँ बेटे गरीब लग रहे थे। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? बच्चा बोला, माँ का जन्मदिन है, साड़ी दिलाने लाया हूँ। दुकानदार बोला, आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद उस महिला को एक चुनरी वाली साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी की दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला, बेटे ये 2200 रुपया की साड़ी है। लड़का बोला, मगर मेरे पास तो केवल 600 रुपया ही है। माँ बोली, हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। फिर माँ दूसरी साड़ी देखने लग गई, मगर बेटे का मन तो माँ को पसंद आई, उस चुनरी वाली साड़ी पर अटका था। लड़का दुकानदार को अलग कोने में ले गया और बोला, साहब वह 2200 रुपया वाली साड़ी दे दो, 600 रुपया ले लो, बाकी पैसे के बदले में आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार को लड़के का माँ के प्रति प्यार बहुत पसंद आया। वह बोला, ठीक है, कल दुकान पर आ जाना, बता दूंगा कितने दिन काम करना है। दुकानदार ने भरोसा करके वह साड़ी उन्हें दे दिया। अगले दिन लड़का समय पर दुकान पर पहुंच गया। बोला, सेठ जी क्या काम करना होगा? दुकानदार बहुत खुश था। दुकानदार बोला, कुछ भी नहीं करना बेटा, घर जाओ। कल जब मैं तुम्हें वह साड़ी देकर घर पहुंचा तो देखा 2 साल से कोमा में पड़ी मेरी माँ अचानक ठीक हो गई। तू तो मेरे लिए फरिश्ता है बेटे, हमेशा इसी तरह माँ से प्यार करना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में माँ जरूर लिखे।